सीट से बीजेपी के अशोक कुमार यादव सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में अशोक कुमार यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी उम्मीदवार बद्री कुमार पूर्वे को हराया था। सीट दरभंगा जिले में भी आती है। दरभंगा जिले का कुछ हिस्सा इस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 विधानसभा मधुबनी जिले का है, बाकी 2 सीटें दरभंगा जिले से आती है। साल 1976 से पहले मधुबनी सीट दरभंगा पूर्वी लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। 1976 से पहले दरभंगा पूर्वी सीट पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन जब ये सीट मधुबनी बन गई तो फिर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से वोटरों का मोह भंग हो गया, बाकी पार्टियों का दबदबा दिखने लगा। मधुबनी सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता हुकुमदेव नारायण यहां से सबसे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 5 बार जीत हासिल की है। इस समय उनके बेटे अशोक कुमार यादव सांसद हैं। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, वो जीत कर संसद पहुंचे थे। 2019 चुनाव परिणाम की बात करें तो अशोक कुमार यादव को 5,95,843 वोट मिले थे, जबकि वीआईपी उम्मीदवार बद्री कुमार पूर्वे को 1,40,903 वोट हासिल हुए थे। 4 लाख वोटरों से बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 में इस सीट से अशोक कुमार यादव के पिता हुकुमदेव नारायण ने जीत दर्ज की थी। वो 5वीं बार सांसद बने थे। तब हुकुमदेव नारायण को 3,58,040 वोट मिले थे, जबकि राजद उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को 3,37,505 वोट मिले थे। जदयू उम्मीदवार प्रोफेसर गुलाम गौस सिर्फ 56,392 वोट ही हासिल कर पाए थे। दरभंगा पूर्वी जयनगर लोकसभा सीट 1952 अनिरुद्ध सिन्हा कांग्रेस, 1957 अनिरुद्ध सिन्हा कांग्रेस, 1962 योगेंद्र झा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1967 शिवचंद्र झा संयुक्त समाजवादी दल, 1971 जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस। मधुबनी लोकसभा सीट 1977 हुकुमदेव नारायण भारतीय लोकदल, 1980 सफीकुल्लाह अंसारी कांग्रेस, 1984 अब्दुल हन्ना अंसारी कांग्रेस, 1989 भोगेंद्र झा सीपीआई, 1991 भोगेंद्र झा सीपीआई, 1996 चतुरानंद मिश्रा सीपीआई, 1998 शकील अहमद कांग्रेस, 1999 हुकुमदेव नारायण बीजेपी, 2004 शकील अहमद कांग्रेस, 2009 हुकुमदेव नारायण बीजेपी, 2014 हुकुमदेव नारायण बीजेपी, 2019 अशोक कुमार यादव बीजेपी। मधुबनी संसदीय सीट के जातीय समीकरण करें तो यहां ब्राह्मण वोटों की संख्या ज्यादा है। इसके बाद इस सीट यादव वोटरों का बोलबाला, अति पिछड़ा समाज के वोटरों की संख्या करीब 6 लाख है, दलित 2 लाख के आसपास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।